और लगभग ज्यादा नहीं है, आप लोगों को पढ़ लीजिए, इसी में से कोई ना कोई दिन पूछती जाती है, इसीलिए मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। 636 में सिंधु पर प्रथम अरब आक्रमण और 712 में मोहम्मद बिन काशिम का भारत पर प्रथम अरब आक्रमण, राजा दाहिर की पराजय। 725 में नाग भट्ट द्वारा प्रतिहार राज्य की स्थापना। 753 से 973 दक्कन के राष्ट्रकूट। 760 से 1142 पूर्वी भारत के पाल। 770 से 810 महान पाल शासक धर्मपाल का काल। विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना। 783 से 1036 राजस्थान के वत्स राज द्वारा उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना तथा उनका शासनकाल। 788 से 820 में शंकराचार्य तथा उनके अद्वैतवादी दर्शन। 835 से 885 गुर्जर प्रतिहार वंश का राजभोज अरब के व्यापारी सुलेमान का उसके राज्य में आगमन। 836 में मीरपुर शासक बना और 850 में विजय शोल द्वारा पांडे को पराजित कर तंजौर पर अधिकार। 851 में अरब यात्री सुलेमान ने भारत प्रतांत लिखा। 860 में सुमात्रा इंडोनेशिया के राजा बलपुत्र द्वारा नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना हुई। 871 में 71 से 1172 तंजौर के शाही चोल और 883 से 1026 पंजाब और काबुल के हिंदू शाही। 907 में चोल शासक परम तक प्रथम का राज्याभिषेक। 915 से 925 महान राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय के दरबार में अरब यात्री अल मसूरी का आगमन। 1916 से 1205 जेजाक भुक्ति के चंदेल खुजराओ में मंदिरों का निर्माण। 950 से 1195 मध्य भारत में त्रिपुरी के कंचरी और 973 से 1238 में अनिहनवाड़ा कठियावाड़ के सोलांग की गुजरात चालुक्य। 977 में शूरकुतुबुद्दीन का भारत पर आक्रमण। 985 से 1014 राजराज चोल का शासनकाल। तंजौर के प्रसिद्ध शिव अथवा बृहद्रेश्वर मंदिर का निर्माण। 999 से बगदाद के खलीफा द्वारा महबूब गजनबी को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता। 1000 में महबूब गजनबी का भारत में काबुल पर प्रथम आक्रमण। एक हजार से 1023 वारंगल के काकतीय बेतराज फर्स्ट संस्थापक और प्रताप रुद्रदेव अंतिम शासक थे। 1001 में महेंद्र की लड़ाई तथा जयपाल हिंदू शाही शासक की महमूद गजनबी से पराजय। 1025 से 1026 महमूद गजनबी द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा। 1030 से महमूद गजनबी की मृत्यु हो गई और अरब रूनी भारत आ गया।